अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल को Facebook, Instagram या TikTok के अकाउंट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, और लिंक करना भी चाहिए क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जो लोग YouTube के अलावा भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ से आपके चैनल को एक बूस्ट अप मिल जाता है, आपके व्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं अगर आप यहाँ पे अपनी पब्लिसिटी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया करनी चाहिए। यहाँ पे अपनी वीडियोस का एक छोटा सा पार्ट शेयर करके उसके ऊपर लिंक दे दिया करें, लोगों को कहें कि अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है तो इस लिंक पर क्लिक करें, इससे आपके कुछ ना कुछ व्यूज़ उस प्लेटफॉर्म से भी आ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इससे आपका चैनल ग्रो भी हो सकता है, आपके व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स भी आ सकते हैं। आज आप जानेंगे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के साथ आपने अपना चैनल कैसे लिंक करना है। उससे पहले आप वीडियो को फुल स्क्रीन कर दें ताकि जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन सामने। मेरी फेसबुक आईडी ओपन है, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे तीन चैनल्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। फ़िलहाल अब मैं दो चैनल पर काम कर रहा हूँ, एक मैंने डिलीट कर दिया है। ये मैंने यहाँ कैसे लिंक किए हैं और आपने कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपने थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पे आपको एडिट पब्लिक डिटेल्स ये ऑप्शन नज़र आएगी, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, तो सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर, कवर फ़ोटो वगैरह ये चीज़ आपके सामने आ जाएंगी, तो इनको आपने नहीं चढ़ना, आपने सीधा नीचे आना है और यहाँ पे आपको लिंक्स का एक ऑप्शन नज़र आएगा, तो आपने एडिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको लिंक्स दिए जाएंगे, तो ऐड सोशल लिंक पर आप क्लिक करेंगे, तो प्लेटफॉर्म पर आपने अपना प्लेटफॉर्म चूज़ करना है, जैसे कि मैंने YouTube चूज़ किया। नेम में आपने जस्ट अपने चैनल का नाम लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हनीफ 2.0, ठीक है। तो ये आपने लिखना है, ये यहाँ पे सेव हो गया है हनीफ 2.0, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे अपना कोई वेबसाइट देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, या अगर इस जगह में आप अपने चैनल का लिंक देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है, और जस्ट आपने फिर किसी खाली जगह पे टैप कर देना है तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर आपने ऊपर सेव पर क्लिक कर देना है, ये सेटिंग सेव हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिंक्स में आपके यूट्यूब चैनल वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो ये हो गई फेसबुक की बात। अब बात करते हैं कि आपने टिकटॉक के साथ अपना चैनल कैसे लिंक करना है। ये मेरा टिकटॉक अकाउंट है, मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यूट्यूब का लोगो नज़र आएगा। इस पर अगर कोई बंदा क्लिक करता है तो सीधा मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, जैसे कि ये अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो मेरा चैनल ओपन हो गया आपके सामने। अब आपने ये काम कैसे करना है कि एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है, और इसमें सबसे नीचे आपको ऑप्शन नज़र आएगी यूट्यूब का, ठीक है। तो यूट्यूब का लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पे मेरी आईडीज आ चुकी है। अब यहाँ पे आपने अपनी चैनल वाली आईडी देनी है, पासवर्ड, ईमेल वगैरह सब कुछ दे देना है और एंटर कर देना है। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। जब आप अपना पासवर्ड वगैरह दे देंगे तो फिर आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, इसको आपने अलाउ कर देना है और आपका चैनल जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा चैनल ऐड हो गया है। अब आप एक और काम भी कर सकते हैं कि एडिट प्रोफाइल में आप अगेन जाएंगे और यहाँ पे आपको बायो का जो ऑप्शन नज़र आता है यहाँ पे भी आप अपने चैनल का लिंक दे सकते हैं और लोगों को कह सकते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लिंक पर क्लिक करें, आपको मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इंस्टाग्राम की तरफ। तो मेरा इंस्टाग्राम ओपन है, बाय द वे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है। इंस्टाग्राम ओपन है, आपको यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो नेम, यूज़र नेम वगैरह इसको आपने नहीं चढ़ना, वेबसाइट पर आपने आना है और वेबसाइट में आपने अपने चैनल का जो लिंक है वो आपने पेस्ट कर देना है। ये जो वेबसाइट का आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है यहाँ पर आपने अपने चैनल का लिंक दे देना है। मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे तो ऊपर आपको टिक मार्क नज़र आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है और आपकी वेबसाइट जो है वो यानी कि आपका चैनल यहाँ पे सेव हो जाएगा। जब आप ये सेव कर लेंगे तो फिर यहाँ पे आपको नज़र आता है आपका लिंक
और नीचे आप जो भी कहते हैं, मतलब अपने बायो में जो भी आपने लिखा होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक ये है वगैरह वगैरह, तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो सबसे पहले आपने अपने बायो में लिखना है कि ये मेरा चैनल है, और साथ में लिंक दे देना है कि इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसी तरीके से आपको ये यहाँ पे आपको लिंक नज़र आता है, इसी तरीके से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के साथ अपना चैनल लिंक कर सकते हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।